अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त किस्म के आलू के पराठे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये हैं जी इसके इंग्रेडिएंट्स। आलू हैं जी आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू हैं, जिनको मैंने पील कर लिया, अच्छी तरह धो ली है। इसके अलावा इसमें जाएंगी दो हरी मिर्चें, अनारदाना है। हरी मिर्ची और अनारदाने को मैं कूट लूँगी। थोड़े से हैं जी स्प्रिंग अनियंस और दूसरे वाला प्याज है ये, इसको मैंने चॉप मतलब बारीक बारीक सा, जैसे चॉप नहीं करते वैसे किया हुआ है। और हरा धनिया है। ये तो हो गए ये वाले। अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ स्पाइसेस, और इसके स्पाइसेस हैं ये हैं जी इसके स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक, 1½ टीस्पून है जी सुरख मिर्च, चुटकी हल्दी की है, 1/2 टीस्पून है जी ये चिली फ्लेक्स हैं, थोड़ा सा जीरा है, 2 चुटकी अजवाइन है, 1 टेबल स्पून है जी साबुत धनिए का। सबसे पहले मैं करती हूँ आलूओं को बॉयल, और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो मैं इनको फोक के साथ मैश कर दूंगी, और फिर इनको ठंडा करके इनमें ये वाले सारे स्पाइसेस डाल दूंगी और ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करती हूँ आलूओं को बॉयल। ओके जी, ये मैंने रख दी हैं आलू बॉईल होने के लिए। ये जब बॉईल होंगे और इनको पानी निकाल के, तो फिर मैं गरम गरम आलूओं को फोक के साथ मैश कर दूँगी। बिल्कुल बिल्कुल मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा ना उसमें चंक रहेगा आलूओं का ना, तो वो टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। अच्छा जी, आलू हो रहे हैं बॉयल, और ये है जी इसका आटा। आटा लिया था मैंने तकरीबन 2 कप आटा गलने। इसमें मैंने डाला है जी 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक का, और 1 टेबल स्पून डाला है घी का। उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया, ये देखिए सॉफ्ट गूंद लिया। ये हो गया इसका आटा। ओके जी, आलू हो गए थे बॉयल, और इनको मैंने कर लिया है इसके साथ मैश। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें छोटे छोटे चंक्स हैं आलूओं के ना। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ, ये गया इसके अंदर धनिया। अब डालते हैं इसके अंदर प्याज, ये स्प्रिंग अनियन भी है थोड़ा सा, और दूसरा प्याज भी है, ये गए, ये हो गई ये। और जो अनारदाना और हरी मिर्चें थी वो मैंने इस तरह कोट ली हैं इसके साथ, ये देखिए। अब ये भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। हाँ जी, तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं प्याज, डाल दिए हैं ग्रीन अनियन जो थे वो भी डाल दिए, हरी मिर्ची और अनारदाना जो मैंने कोट लिया था वो भी मैंने डाल दिया। अब मैं डालती हूँ ये वाले स्पाइसेस। अब ये सारे मैंने स्पाइसेस सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैं करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स। ओके जी, ये मैंने कर दिया है मिक्स। अब अगर आपको इसमें टेस्ट कर दें आप, अगर आपको लगे कि इसमें नमक या मिर्चें थोड़ी सी कम है तो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं इसको टेस्ट करके, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है।
ओके जी, बन गए हैं जी मज़ेदार किस्म के आलू के पराठे। इसको आप चटनी के साथ खा सकते हैं, सादी दही के साथ खा सकते हैं, जैसे मर्जी खाएं। इसके साथ ही जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।